हेलो स्टूडेंट्स, आज फिर हम आपके लिए एक और नया क्राफ्ट लेके आए हैं जो स्टैंडर्ड फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ के स्टूडेंट्स बखूबी बना सकते हैं। तो ये कागज़ को यूं आपको क्या करना है, झिकझग इसको पहले फोल्ड करना है, ये तो आपको आएगा ही। तो ऐसे पूरा कागज झिकझाग करके फोल्ड कर देना है। फोल्ड करने के बाद मैंने मेरे पास पहले से ही ऐसे डिफरेंस कलर के, देखो ऐसे एक वन, ये दूसरा और ये तीसरा, ऐसे कागज़ ऑलरेडी मैंने कट करके रखे हैं। अब मैं ऐसा एक वाइट कागज़ ले सकता हूँ या फिर कलरफुल, जैसे हमारी क्राफ्ट बुक में आते हैं ऐसे कलर्स के कागज़, जैसे ऑरेंज रेड, मगर मैंने वाइट कागज़ आपके सामने रखा है तो आप देखिए। अब मैं इस कागज़ को एक कार्ड, जैसे हमारे यहाँ दिवाली कार्ड आता है, बर्थडे कार्ड आता है, और आजकल तो हम मदर्स डे, फादर्स डे, फ्रेंडशिप डे, जैसे डे पे ऐसा एक कार्ड बना के हम हमारे फ्रेंड्स को दे सकते हैं। तो ये ऐसा बन जाने के बाद जो मैंने पहले से ही आपको सिखाया, ऐसे ऐसे झिकझाग पेपर्स को, अब मैं फेविकोल्स लेके फेविकोल यूज़ करते समय उसको बहुत ज़्यादा इसमें नहीं लगाना है, वन बाय वन, एक के बाद एक, ऐसे ये दो कलर्स के कागज़ है इसलिए मैं इसको अलग कर रहा हूँ। नाउ यहाँ इसको एक साइड सेम रहनी चाहिए, फिर इस पर्पल साइड पे मैं ये लो कागज़ लगा देता हूँ, फिर इस साइड पे कौन सा कागज़ लगाऊंगा, तो फिर ये पर्पल, फिर यहाँ ये ऑरेंज। अब ऐसा बन जाने के बाद यहाँ मैंने जो देखा वो मैं अच्छी तरह से सीधा पहले भी कट कर सकता हूँ और बाद में भी। अब आपको क्या करना है तो मैं आपको, ये जो साइड है वहाँ थोड़ा, यहाँ मैं क्या करूँगा, थोड़ा ज़्यादा फेविकोल चिपकाऊँगा ताकि अब मुझे इन दोनों को एक साइड पे रख के यहाँ इसको चिपकाना है। आई बात समझ में? इसके ऊपर मैं थोड़ा पहले से वजन रख के